तो मजाकिया खाकों और अपने बोलू के ना बोलू से शोहरत पाने वाले इफ्तिखार कैसर अली, जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटे बिखेर देते थे, आज कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इफ्तिखार कैसर कई माह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार है, जिसके बायस वो बिस्तर से जा लगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, अपने सूबे पे, अपने लोगों पे, ये लोग क्या करेंगे। सदारती अवार्ड याफ्ता इफ्तिखार कैसर की सूबाई हुकूमत दांत रसी तो ना कर सकी, जबकि रही सही कसर अस्पताल इंतजामिया ने पूरी कर दी, जहां वो इलाज और मालजे के बायस दर दर की ठोकरें खाते रहे और वहां भी उनका इलाज ना हो सका। मैंने कोई डॉक्टर नहीं देखा, कसम से। खासकर मेडिकल बी वार्ड में, जो इंसानियत से किसी के साथ बात करते हो। वफाकी हुकूमत ने मारूफ फनकार इफ्तिखार कैसर के इलाज की जिम्मेदारी ले ली और पीआईडी के डायरेक्टर जनरल इफ्तिखार कैसर के घर पहुंच गए और इस्लामाबाद में इलाज और मालजे की यकीन दहानी कराई। उनका इलाज हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि वहाँ पे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कराया जाएगा। ये जो फनकार होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, वो कौम का वर्षा होते हैं। इफ्तिखार कैसर जैसे खैबर पख्तूनख्वा के दिगर फनकार हुकूमती अदम तवज्जो के बायस कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन काशान अरशद के साथ हेरा शो, डॉन न्यूज, पेशावर।